दोस्तों, क्या आपका नाम इंग्लिश अल्फाबेट के जे अक्षर से शुरू होता है या आपके घर परिवार में किसी का नाम जे अक्षर से शुरू होता है, या आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, कोई भी अगर आपके संपर्क में है जिसका नाम जे अक्षर से शुरू होता है, तो यह वीडियो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाला वर्ष यानी कि साल 2021 कैसा रहने वाला है, इस वर्ष में इनके जीवन में क्या-क्या बदलाव होने वाला है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आप सुनते रहें, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे आप जय शनिदेव कमेंट कर दें। इसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत महादेव के मंत्र के साथ मैं करने वाला हूं, तो उस मंत्र को आप सुनने का प्रयास करें। मंत्र है पंचाक्षर मिदं पुण्यं यः पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जय महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का अनोखा टोटका है, यानी कि अचूक उपाय है, जिस उपाय को आजमाने से आपका समय काफी ज्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ शॉर्टकट में, उसके बाद जानेंगे पूरे विस्तार से। तो सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए सामान्य तौर पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन साल के बीच बीच में आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपके गुस्से के वजह से, आपके तनाव की वजह से कभी कभी आपका स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन अगर आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, मानसिक तौर पे आप खुश रहते हैं, तो पूरे वर्ष में आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस वर्ष में आप ऐसे काम को करने का प्रयास करें जिस काम को करने के बाद आपको मानसिक तौर पे खुशी काफ़ी ज़्यादा मिलती हो, क्योंकि मानसिक तौर पे अगर आप खुश रहेंगे तो पूरे वर्ष में आपका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि जे नाम वाले लोगों का साल 2021 में वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस वर्ष में आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध काफी ज्यादा मधुर और बेहतर रहेगा। इस वर्ष में अगर आपके जीवन साथी के तरफ से कुछ डिमांड किया जाए तो उनके मांग को आप पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, और अगर अपने जीवन साथी को, अपने जीवन साथी की मांगों को आप इग्नोर कर देते हैं, उनके मांगों को आप नहीं मानते हैं, तो आने वाले वक्त में आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। आप इसे भी याद रखें। दोस्तों, अगर आपके प्रेम संबंध की ओर देखा जाए तो प्रेम संबंध के लिहाज से भी आपका समय सही रहेगा, परंतु इस वर्ष में सही रहने के बावजूद आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक झोंक होगा, आप दोनों में बहस काफ़ी ज़्यादा होगा। इस पूरे वर्ष में मार्च, जुलाई और अगस्त का महीना आपके प्रेम संबंध के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। इन 3 महीनों में आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक झोंक होगा, परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, नोक झोंक के साथ साथ आपका प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होगा।
आप में से जो भी लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी इस वर्ष में प्रेम कहानी शुरू होगी और अपने जीवन में वो एक नए अध्याय को लिखना शुरू कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जे नाम वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा। इस वर्ष में राहु आपके पढ़ाई लिखाई में आपका साथ देगा, परंतु कभी कभी कुछ ऐसे हालात भी आएंगे जब राहु बीच बीच में आपका टेस्ट लेगा, वो आपके मन को भ्रमित करेगा। और अगर आप भ्रमित हो जाते हैं, राहु के चाल में आप आ जाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई से आपका मन हट जाएगा, परंतु समस्याओं का सामना करने के बावजूद आपके पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों का सामना करने के बावजूद अगर आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं तो राहु आपका पूरा साथ देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राहु आपको परेशान भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। इस बात को आप याद रखें। आप में से जो भी लोग पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इस वर्ष में घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा और वो अपने पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहने वाला है, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। इस वर्ष में आपके घर परिवार के कुछ लोगों के साथ आपका संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा, परंतु आपके घर परिवार में कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे। बीते वक्त में जिन लोगों की आपने सहायता की थी इस वर्ष में, उसमें से बहुत कम लोग आपका साथ देंगे और बहुत कम लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत लोग आपको धोखा देंगे। इस वजह से आपका पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष के शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ परेशानी आने वाली है, परंतु अप्रैल के महीने के बाद का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहतर और शानदार रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो कैरियर के लिहाज से भी आपका समय अच्छा रहेगा। आप में से जो भी लोग अपने कैरियर के प्रति सकारात्मक रहेंगे, अपने मेहनत, अपने एकाग्रता और अपने परिश्रम पर विश्वास करेंगे, ऐसे लोग इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और आप में से जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को इस वर्ष में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे लोगों का भाग्य भी इनका साथ नहीं देगा। इस बात को आप याद रखें। इस वर्ष में अगर आप परिश्रम करते हैं, अपने कैरियर के प्रति आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस काम को करने में शनिदेव आपका पूरा साथ देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप भगवान के भरोसे ही रहते हैं, तो शनिदेव आपको परेशान भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इस बात को आप याद रखें। दोस्तों, आप में से जो भी लोग कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, और किसी भी कारण से 2021 से पहले अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं हुआ था, किसी भी कारण से अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह गया था, तो इस वर्ष में अपने काम को आप पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि इस काम को करने में शनिदेव आपका पूरा साथ देने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि साल 2021 में जे नाम वाले लोगों का आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। इस वर्ष में आपके पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, पैसों के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने वाला है। इस वर्ष में अपने खर्चे पे आपको कंट्रोल करना होगा। जहां आवश्यकता नहीं हो वहां पैसे खर्च करने से आप बचने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस वर्ष में आप फालतू में पैसे खर्च करते रहते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको पैसों की समस्या काफ़ी ज़्यादा होगी।
दोस्तों इस वर्ष में आप पैसों का इस्तेमाल जहां भी करें तो इस्तेमाल करते वक्त आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। बड़े ही आराम से और सोचने विचारने के बाद ही आप कहीं पैसे लगाएं। अगर आप जल्दीबाजी में पैसे लगा देते हैं तो आने वाले वक्त में आपको पैसों की समस्या काफ़ी ज़्यादा होगी। इस बात को आप याद रखें। इस वर्ष में अगर आप पैसे बचाने पे ध्यान देते हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप पैसे बचा के रखते हैं, तो आपको पैसों की समस्या नहीं होगी। इस बात की गारंटी है। इस बात को आप याद रखें। इस वर्ष में आपका ग्रह जनवरी, मई और अगस्त के महीने में आपका साथ नहीं देगा। इन 3 महीनों में आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। साल के शुरुआत में ही ज़्यादा पैसे खर्च करने के वजह से आपका आने वाला वक्त थोड़ा सा खराब हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले वर्ष में जनवरी के महीने के बाद आपके आर्थिक जीवन में सुधार होगा और राहु ग्रह के वजह से पैसे कमाने का मौका आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और उसके मदद से, यानी कि राहु के हेल्प से, पैसे कमाने में आप सक्षम भी होने वाले हैं। तो मित्रों, अभी तक आपने देखा शॉर्टकट में, इसके बाद बात करते हैं पूरे विस्तार से। तो सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष में आपके राशि के स्वामी शनिदेव के वजह से आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष में आपके बॉडी में ऊर्जा का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और इसी वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष में शनि आपकी राशि में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे और शनि के मजबूत होने के वजह से अपनी सेहत में आप काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने वाले हैं। परंतु इस वर्ष में छोटी-मोटी दिक्कतें आपको होगी, परंतु दिक्कतें सभी लोगों को नहीं होने वाली है। आप में से जो भी लोग तनाव का सामना काफ़ी ज़्यादा करेंगे, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा करेंगे, उन्हीं लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा और परेशानी का सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। आप में से जो भी लोग नशा पान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं या अन्य कोई नशा करते हैं, तो वो लोग इस वर्ष में नशा पान बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप नशा पान करना छोड़ देते हैं, तो आपका आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। और अगर आप नशा पान करते हैं, नशा करना आप नहीं छोड़ते हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, इस वर्ष में आप नियमित रूप से योगा करें, ध्यान करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको मानसिक शांति की प्राप्ति काफ़ी ज़्यादा होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले वर्ष में आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। प्रेम संबंध के बारे में पूरे विस्तार से अब बात करते हैं। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से 2021 काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका संबंध काफ़ी ज़्यादा मधुर और बेहतर रहेगा। इस वर्ष आप दोनों का संबंध काफी ज्यादा मजबूत होगा। 2021 के शुरुआत से ही आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपका प्रेम संबंध बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मार्च के महीने में आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपके संबंध में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। मार्च के महीने में आप दोनों का संबंध खराब होगा, परंतु अपने संबंध को आप अच्छा करने का प्रयास करें। मार्च के बाद
अप्रैल और मई का महीना भी आपके प्रेम संबंध के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, परंतु जुलाई और अगस्त का महीना आपके प्रेम संबंध के लिहाज से खराब रहेगा। इन दो महीनों में आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका के साथ आपका नोक झोंक होगा, आपका बहस होगा और आपका प्रेम संबंध खराब हो जाएगा, परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सितंबर से लेकर नवंबर तक का समय आपके प्रेम संबंध के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस वर्ष में आप में से बहुत से लोग प्रेम विवाह करने वाले हैं और अपने प्रेम संबंध को मजबूती प्रदान करने वाले हैं, और इन्हीं सभी कारणों से आपका प्रेम संबंध आने वाले वर्ष में काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। लेकिन दोस्तों, साल 2021 में अपने प्रेम संबंध में आप सामाजिक बंधन को तोड़ने से बचने का प्रयास करें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात को भी आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं कि 2021 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपके घर परिवार का माहौल न ज़्यादा बेहतर रहेगा न ज़्यादा खराब रहेगा। इस वर्ष के शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि के चौथे भाव में रहेंगे, जिसके वजह से आपके माता जी को कष्ट होगा और इस कारण साल के शुरुआत में आपका पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखें, अन्यथा आने वाले वक्त में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष में यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनती रहेगी, लेकिन कलह होने के बावजूद, तनाव होने के बावजूद आपके घर परिवार के लोग इस वर्ष में अपना पैसा प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं और प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। इस वर्ष में आपके घर परिवार में सिर्फ तनाव और बुरा माहौल ही नहीं रहेगा, इस वर्ष में आपके घर परिवार के लोगों को चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, और इस वजह से आपके घर परिवार का माहौल बेहतर होगा। आपके घर परिवार के लोग खुशी से अपना वक्त बिता पाएंगे। इस वर्ष में मार्च के महीने के बाद का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आपके घर परिवार में नए मेहमान का आगमन होगा, यानी कि आपके घर परिवार में नए व्यक्ति का आगमन होगा, वो आपका बेटा, भतीजा, बेटा, बेटी कोई भी हो, जिसका इस वर्ष में आपके परिवार में आगमन अवश्य होगा। इसके बाद बात करते हैं कि 2021 में किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, उपाय ये है कि इस वर्ष में आप मंगलवार के रात में साबुत मूंग की दाल अपने हाथों से पानी में भींगने के लिए छोड़ दें, और बुधवार के दिन उस दाल को, यानी कि साबुत मूंग की दाल को, आप गौ माता को खिला दें। इस टोटके को आजमाने से आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो मित्रों, यही था आपके 2021 का राशिफल और अनोखा टोटका। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह शेयर भी कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।